अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये वीडियो मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ, सुबह उतरी हूँ नीचे सब्ज़ी लेने, क्योंकि मेरे यहाँ सब्ज़ी जो है कुछ सब्ज़ियाँ जो है ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोची कल रमज़ान है तो सब्ज़ी ले लेती हूँ। और चलिए, यहाँ पर मैंने भैया से जो है सब्ज़ी निकलवा ली हूँ। ये रहा प्याज और ये रहा आलू, टमाटर ये रहा, 3 किलो प्याज ले ली हूँ, आलू ले ली हूँ, टमाटर ले ली हूँ, थोड़ा बहुत सब्ज़ी है ऊपर, आलू प्याज भी है। और भैया थोड़ा अदरक कर दीजिएगा, हरी मिर्ची कर दीजिए और पालक कर दीजिएगा। तो रमज़ान में जैसे बहुत सारे काम होते हैं सब्ज़ियों के वगैरह के, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी ले लेती हूँ और फिर लेके ऊपर चलती हूँ। रमजान का सामान आ गया है, थोड़ा बहुत और रह गया था तो वो मेरे बेटे ने जो है लेके आ गया। चलो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। ये रहा टॉप्स का ग्रीन चिली सॉस और बहुत सारा सामान मुझे दिख रहा है इसके अंदर। ये सब मेयोनीज है और ये मुझे लग रहा है कि ये चटनी है गार्लिक का। वैसे तो मुझे गर्म की ताजी चटनी बनाओ, ताजी चटनी बनाने में और खाने में अच्छा लगता है। और ये टमाटो केचप है और ये भी टमाटो केचप है। इसके अंदर फालूदा का जो है ना वो भी है, फालूदा बनाने के लिए। ये नौर का शेजवान है और ये सब बहुत अच्छा होता है रमजान शरीफ में बनाने के लिए, बहुत ही बढ़िया होता है। और ये फालूदा का मिक्स मैंगो फ्लेवर, ये फालूदा है, इसको बहुत मन से मेरे घर में बच्चे लोग खाते हैं तो ये फालूदा जो है हमेशा बनता है मेरे यहाँ। तो ये भी इसका लगता है कि कई पैकेट्स मेरा बेटा लेके आया है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बहुत सारे पैकेट्स हैं इसके अंदर, वैसे तो मेरे हाथ ये दो ही है और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। दिखाना लगा तो बहुत कुछ सामान है इसमें, नहाने धोने का सामान भी है, मतलब कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर में आ गया है। और अल्लाह पाक हम सबके घर में ऐसे ही सब कुछ दे, हम लोग आराम से अपने घर में हर आदमी जो है अफ्तारी करें अल्हम्दुलिल्लाह। और चलो अब मैं ये सब रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से शहरी में। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, आप लोग शहरी में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, तो हो गया है सहरी का टाइम और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी और एक तरफ मैं चाय चढ़ा रही थी और अंडा भी फ्राई फेंट के मैंने रख दी थी और थोड़ा 2-3 अंडे और रह गए थे, उसको भी मैं फेंट लूँगी अच्छे से। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने प्याज काटी, हरी मिर्ची काट दी और नमक, क्योंकि हम लोग को नाश्ते में जो है अंडा और ब्रेड रोटी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मक्खन ब्रेड ये सब चीज़ें जो है मंगाने मैंने रात को ही रख दी थी मंगा के। और मैं एक तरफ देख सकते हैं आप लोग, मैं रोटी भी जो है फुला रही थी और चाय मेरी पक रही थी, उबल चुकी थी, बच्चे लोग उठ गए थे, मुंह वगैरह धो रहे थे सब लोग, जब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूंद रही थी। थोड़ा सा मेरा जो है ना रोटी कम, आटा कम पड़ गया था तो मैंने और आटा ले ली थी गूंदने के लिए। अब हम लोग बैठ गए यहाँ पे सहरी करने के लिए, क्योंकि अब अज़ान होने ही वाली थी। बस यहाँ पे फटाफट हम लोग जो है अपना अंडा रोटी मक्खन ब्रेड जो भी था हमने सहरी में बनाया था, जिसका जो मर्जी वो खाते हैं हम लोग। और चाय भी, मैं चाय तो बहुत ज़रूरी है, चाय भी कर तो सर में दर्द होने लगता है। और सहरी करके हम लोग सब लोग घर के लोग बैठ गए थे यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, कुरान शरीफ पढ़ने मैं जा रही थी, नमाज़ पढ़ने, वज़ू मैंने कर चुकी थी और ये रहा मेरा जानमाज। और नमाज़ पढ़ के मैं आप लोग से सुबह मिलती हूँ। नमाज पढ़ के हम लोग सो गए थे और अब हम लोग उठे हैं, अफ्तारी का टाइम हो गया है तो अफ्तारी बनाना है। और चलिए आगे दिखा दूं मैं आपको अफ्तारी में क्या बनने जा रहा है। अफ्तारी में बनने जा रहा है ये चने की दाल की पकौड़ी और ये कच्चा चना है, इसका हम लोग जो है घुगनी बनाते हैं। और यहाँ एक तरफ जो है हम लोग चिकन का जो है समोसा बनाएंगे, अच्छा ठीक है, और एक तरफ जो हम लोग चिकन का सालन बनाएंगे और आलू की पकौड़ी वगैरह बनेगी। तो वीडियोस पे आप लोग बने रहिए और देखते रहिए हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं। समायरा यहाँ पे धनिया काटती है, पूछते हैं समायरा क्या क्या कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यहाँ पे अम्मी धनिया काट रही हूँ ये सब्जी के लिए और वहाँ पे मैंने प्याज काट के रख दिया है नानी और मैंने, और यहाँ पे अब कलिंगर काटना है। अच्छा, ये तरबूज काटना है। हाँ ठीक है। समायरा का शरबत बन चुका है, समायरा बहुत अच्छा शरबत बनाई। क्या क्या डाली हो समायरा इसमें? इसमें नींबू है, चीनी है, पानी और शरबत। नाने बैठ गए हैं और ये है समोसा पट्टी, अब हम इसमें
ढक्कन भरेंगे जो उसकी फिलिंग है, ये ऐसे ऐसे इसको करेंगे। इसके अंदर मैदा जो है हम लोग पानी में डाल के फेंट के रख दिए हैं, इसमें फिलिंग करेंगे। और भी थोड़ा बहुत है, ये सारा अभी करके समायरा ने रख दिया है ना, और ये डाल रही है इसके अंदर। अब इसको फोल्ड कर दो समायरा प्रॉपर। फिलिंग हो गई है, अब हम इसको पूरा अच्छे से पैक कर देंगे ताकि कहीं से निकले ना फिलिंग इसकी। हमारा समोसा बनके रेडी हो गया, चिकन कीमा अच्छे से गर्म हो गया। ये रहा बेसन, इसके अंदर हम लोग सोवा डाले थे, प्याज डाले थे, आलू डाले थे, अब मैं इसको डाल के लाल कर लेती हूँ। और इसको डाल के लाल करने के बाद फिर आलू वाला फ्राई करूंगी, आलू की पकौड़ी फ्राई करूंगी और साथ साथ चिकन के जो है कीमा समोसा वो भी छान दूंगी। तो चलो इसको पहले मैं डाल देती हूँ। और ये रहा, ये सारा बेसन जो है अच्छे से मिला गया और लाल हो रहा है। पकौड़ी बन गई है, प्याज की पकौड़ी बन गई है, पालक की बन गई है। और चलिए अब यहाँ पे समोसा मैंने डाल दी हूँ, कीमे के समोसे जो है वो फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। माँ गरम समोसे भी बन के एकदम रेडी हो गए हैं अफतारी के लिए। फ्रूट्स वगैरह कट चुका है और ये अफतारी का सारा सामान जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दी हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।